हाउस कैट। नमस्कार, मैं राजमोहन, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। भारतीय टीम जुलाई में क्रिकेट खेलती नजर आ सकती है। पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा क्रिकेट अब जल्द ही शुरू किया जा सकता है। बीसीसीआई ने इसके साफ संकेत दिए हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को मेल कर यह अनुरोध किया था कि बीसीसीआई भारतीय टीम को 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका में भेजे। क्रिकेट श्रीलंका को जवाब देते हुए बीसीसीआई ने साफ किया है कि यदि भारत सरकार अनुमति देगी तो टीम इंडिया जुलाई के अंत में सीमित ओवरों की सीरीज यानी 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करने को तैयार है। बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा है कि श्रीलंका में भारतीय क्रिकेट टीम का जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि लॉकडाउन के अगले चरण में राहत और यात्रा पाबंदियों से जुड़े सरकारी दिशा निर्देश क्या हैं। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि एक सीरीज के लिए हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करेंगे। क्रिकेट श्रीलंका ने कुछ दिन पहले एक पत्र के जरिए बीसीसीआई से अनुरोध किया था कि वह 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की मेजबानी करना चाहता है। सीरीज के सभी मुकाबले खाली स्टेडियमों में खेले जाएंगे और साथ ही भारतीय टीम को श्रीलंका पहुंचने के साथ ही 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। आपको बता दूं कि श्रीलंका में कोरोना का ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है और वहां लॉकडाउन की अवधि भी 11 मई को खत्म हो चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह एक सीरीज की बात है। श्रीलंका ने काफी पहले आईपीएल 2020 की मेजबानी करने की भी इच्छा जताई थी, जिस पर बीसीसीआई ने उसे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भारतीय टीम को श्रीलंका का दौरा कराकर सफलतापूर्वक इसे संपन्न कराकर बीसीसीआई के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता है कि श्रीलंका आईपीएल का आयोजन श्रीलंका में कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि श्रीलंका के अलावा यूएई ने भी बीसीसीआई के सामने आईपीएल को यूएई में कराने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दूं कि यदि कोरोना के चलते इस साल आईपीएल का आयोजन नहीं हुआ तो बीसीसीआई को करीब 4,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। बीसीसीआई और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बीच चल रही यह वार्ता क्या रंग लाती है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस कोरोना संकट में बीसीसीआई का क्रिकेट को शुरू कराने के लिए तैयार हो जाना ही एक बड़ी बात है। क्रिकेट को शुरू कराने के लिए बीसीसीआई ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। क्रिकेट से सभी जानकारी और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। धन्यवाद।